उनको आपके शरीर में आ जाएंगे, आप जीवित रह जाइएगा, फट के चार हो जाइएगा, आपका शरीर फट के फेंका जाएगा। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहते हैं, मन की बात है बता देता हूँ, बहुत लोग हैं जो तांत्रिक शब्द सुनते ही डर जाते हैं और बहुत जगह ऐसी है कि लोग वश में करते हैं, बहुत ऐसी ऊर्जाएं आपके सामने आएंगी, तो आपका हृदय उस समय मजबूत है उस क्रिया को, उस चीज को देखने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये शमशान देवी हैं, यहीं पे तंत्र विद्या की पूजा की जाती है, यहाँ पे हवन होता है, साथ ही साथ यहाँ के जो महंत थे उनके बेटे अभी हमारे साथ हैं। पहले तो इनको आप सभी मिलकर प्रणाम कर लीजिए। खुश रहिए भैया। आपका नाम क्या हुआ? जय माँ बगला मुखी। मेरा नाम हुआ देवराज, महंत देवराज जी यहाँ जानते हैं। पूछिए क्या पूछना था आपको। पहले तो हमको ये सवाल थे कि ये मंदिर कब से है। ये मंदिर देखिए, इस पर तो कभी आइए तो बैठ के आराम से लंबा विचार होगा, समझाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, दो मिनट में सुनाई तो जा नहीं सकती। पर मंदिर सैकड़ों साल पुराना है यहाँ पर, और यहाँ पर माँ दस भुजा में विराजमान है, और माँ के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र विराजमान है। अभी आप दर्शन करने आए होंगे तो देखे होंगे, तो सहस्त्रदल यंत्र पे, ये यंत्रों के राजा भी कहे जाते हैं, सहस्त्रदल यंत्र मनोकामना पूरक यंत्र भी कहा जाता है। यंत्र इस दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में आए अनेक बाधाएं, रोग पीड़ा दूर होता है, कष्ट दूर होता है, समस्याएं दूर होती हैं। उस सहस्त्रदल यंत्र पे विशेषता ये है, माँ यहाँ दस भुजा में विराजमान है, जो दस महाविद्या का प्रतीक है, और सहस्त्रदल यंत्र पे बैठ के कोई भी साधक किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहे, उस साधना को सिद्ध किया जाता है। ऐसे भक्तों के लिए एक क्रिया उस पर ये कराई जाती है कि जो भी भक्त माँ के दरबार में संकल्प लेते हैं, जो आते हैं हमारे पास कि हमें कुछ समस्या है और हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो माँ बगलामुखी के यंत्र के सामने समक्ष बैठ करके उनका संकल्प होता है। 7 दिन 9 दिन 11 दिन 21 दिन का संकल्प का जाप होता है, 1.25 लाख संख्या है, तो उसके बाद उसका दशांश यहाँ हवन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी मंत्र को, 7 करोड़ मंत्र इस संसार में है, 7 करोड़ मंत्र में किसी भी मंत्र को आप उस यंत्र पर बैठ के साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सिद्धि के बारे में आपने बताया, तो हमने अभी बहुत सारी तरह की सिद्धि के बारे में सुना है, और जस्ट हमने अभी एक बाबा से मिला था जिन्होंने एक पुरानी मंदिर है वहाँ, तो उन्होंने बताया कि सिद्धियाँ होती हैं, बट आप जैसे किसी के मन की बातों को समझ सकते हैं या किसी के अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं मानते वो, इससे आपका क्या कहना है। देखिए जैसे कि सिंपल एक भाषा मैं आपको समझा देता हूँ, आपका नाम सत्यम, सत्यम तिवारी, हाँ, मैंने अभी देखा आपको जी, फलाने व्यक्ति आएंगे मुझसे पूछेंगे कि आप सत्यम तिवारी को कैसे जानते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, लंबा चौड़ा लड़का है जो मेरे पास आया था ब्लॉग की बात करने, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ, मैं तो वहाँ से जानकारी दूंगा उन्हें कि मैं तो ऐसे देखा हूँ उन्हें, लेकिन आपके माता पिता से पूछा जाएगा सत्यम तिवारी को कैसे जानते हो, तो क्या कहेंगे, बचपन से जान रहे हैं। उनका भी मानना अपने जगह सही है, हाँ, और बहुत जगह ऐसी है कि लोग वश में करते हैं, आखिर वश में नहीं कर रहे होते तो सटकर्म साधना में वसीकरण क्यों आ जाता जी, जी। तो मूर्ख तो होंगे पहले, जो पौराणिक उपनिषदों ने में जो लिखा गया है, जो साधकों ने, जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा है कि सटकर्म की एक प्रक्रिया है, जब आप बगला की साधना करते हैं माँ बगला मुखी की, तो आपको सटकर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसमें मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन उद्वेशन और सम्मोहन है, तो मोहन हो गया चाहे सम्मोहन हो गया या वशीकरण, ये क्या है, वश में करने वाली क्रिया है ना जो आप, लेकिन ये सत्य है कि आप कभी भी देखिए, शक्ति तो प्रवाह होती है सभी के जीवन में, मेरे शरीर की क्षमता अलग है, आपकी अलग, इनकी अलग, उनकी अलग है, आप अगर उसे गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी नैतिक, आपकी अपनी निजी सोच है, ठीक है ना, वो अच्छे लोगों से आप उसको खराब नहीं कर सकते,
जैसे आमतौर पे बहुत जगह मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, मन की बात है बता देता हूँ, बहुत लोग हैं जो तांत्रिक शब्द सुनते ही डर जाते हैं कि तांत्रिक है तो झोंक-टोंक कर रहा होगा या डराएगा। देखिए तांत्रिक कभी कोई अच्छा जो सही में तांत्रिक होगा कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, उसे भला करेगा। कभी कभी भला करने के चक्कर में होता ये है कि कठिनाई कुछ कठिन परिश्रम और कहते हैं ना हार्ड स्टेप लेना पड़ता है हम लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन कभी वो बुरा नहीं करेगा क्योंकि शक्ति तो सबके अंदर है। अब आपके अंदर है, आप किसी को झापड़ मार दो, मेरे अंदर है, मैं किसी को प्यार से समझा दूं, है ना जी। तो सिद्धियां प्राप्त सबसे पहला ये है कि आप अपने जीवन में जो नियमानुकूल हो जाए कि आप अपने जीवन को एक संतुलित बना ले, सबसे पहले तो सिद्धि वो है कि आप सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में योग करें, कर्म करें, ज्ञान ले, भक्ति करें और ईश्वर की आराधना साधना करें। तो पंच साधनाओं में तो कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और तंत्र भी है, तो तंत्र गलत तो नहीं हो सकता। अगर पंच साधना में सबसे उत्कृष्ट साधना ही तंत्र साधना बताई गई है, तो तंत्र साधना गलत नहीं है कभी भी। लेकिन अब चूंकि हमने आपको कहा ना कि चोर के पास भी गन है, पुलिस वाले के पास भी, तो आप सेफ कहाँ फील करिएगा? पुलिस वाले के पास ना, चोर के पास तो नहीं कीजिएगा, डर जाइएगा उससे, वो कुछ भी कर सकता है, भले वो करे ना करे, लेकिन बस बात वही है कि शक्ति आपके पास भी हमारे पास भी, लोग जैसे उसका प्रयोग करते हैं, ये सत्य है कि वश में किया जाता है, पर ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, ये दाल भात की क्रिया नहीं है कि आप गए अपना चावल पानी में डाले उबाले निकल गया, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। इसके लिए कठिन परिश्रम साधना करनी पड़ती है, कई वर्षों की साधना होती है, और जो ये मनुष्य उस साधना को पार कर लेगा वो कभी किसी को अपने वश में उसके हानि के लिए तो करेगा ही नहीं जी, हानि के लिए करेगा ही नहीं। अब जैसे मान के चलिए कि कोई पति पत्नी है, पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो पत्नी वहाँ पे ये उसको अब चाहती है कि उसका पति उसके वश में रहे और घर का एक नैतिक जीवन जो अच्छे से प्रेम प्रभाव से चले, तो क्या वो वशीकरण करना गलत है? नहीं गलत है। तो वशीकरण होता है, ये कोई नहीं कोई बात करे तो आके डायरेक्ट बात करे हमसे कि वशीकरण गलत है जी, तो हम बात करें, जब तुम कह ही रहे हो गलत है तो आखिर षटकर्म में ये शब्द आया कहाँ से? यजुर्वेद गलत नहीं है, यजुर्वेद में सब पूरे वही लिखा, गलत नहीं है, ये होता है, लेकिन हाँ गलत, जो मनुष्य इसकी साधना कर लेगा, इसको जो पा लेगा, जो षटकर्म की सिद्धि कर लेगा, वो कभी किसी का हानि नहीं कर सकता। उसमें भी आमतौर पर किसी पे भी वशीकरण नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि सबसे पहले आपके संस्कार आएंगे बीच में, दुनिया में सब बात टाल दो, एक तो चीज है ना कि भाई मेरा अपना एक संस्कार है कि हम नित्य दिन उठ करके कुछ नहीं करते हैं, बस किसी दरबार के सामने से गुजर भी रहते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, तो एक संस्कार है, एक पुण्य का भोग है मेरे जीवन में कि हाँ भगवान देखते हैं कि चलो कहीं से नहीं आता है मेरे दरबार, लेकिन सामने से गुजरता है तो माथा झुका लेता है जी, तो वो संस्कार है उसके बीच में, उस कर्म के बीच में आपका संस्कार खड़ा है, वो आपको उसके वश में नहीं आने देगा, पर ये कार्य होता है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते, और सही बात है, अच्छी भी बात है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करें इसको, क्योंकि कम से कम मन में भय का, क्योंकि ये भय पैदा कर देता है कभी कभी तो। वैसे तो जैसे कि आपने बताया भय पैदा कर देता है हाँ। लेकिन इसमें तो कोई बुराई तो है नहीं? नहीं, बुराई किसी भी कीमत पर नहीं है, भगवान की पूजा करना बुराई नहीं है, ईश्वर की आराधना, हमने कहा ना जैसे मारन की भी शक्ति मिल जाए जो साधना करते हैं, अभी ये हमने सिर्फ कह रहे हैं इसका प्रयोग क्या है, ये बहुत ही गोपनीय है, आप खोजिएगा, आपको आपको थ्योरी दिख जाएगा, प्रैक्टिकल क्या है वो प्रैक्टिकल आप नहीं जानते, वो आपको गुरु दीक्षा से मिलेगा, कोई भी गुरु, अच्छा गुरु, जैसे गुरु वही बन सकता है जो, गुरु का अर्थ ये हो जाता है कि जो आपके अंदर अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट करके ज्ञान का प्रभाव, तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है आपके लिए गुरु, और वो जो सत्य के राह पे जो गुरु होगा, जो जो सत्य गुरु होंगे, जो कुपात्र नहीं होंगे, वो कभी भी आपको सिद्धि दे, वही सिद्धि के मार्ग पे आपको ले जाएंगे और आप सिद्धि पाएंगे। हमने कहा ना, आप जिस दिन सिद्धि पा लीजिएगा आपके अंदर कभी किसी को हानि पहुंचाने का भाव ही नहीं आएगा जी, भगवान श्री राम अनेक सिद्धियों से भरे हुए हैं, कभी किसी का हानि नहीं करते हुए, कभी नहीं कि कभी आपने सुना कि कहीं भगवान सभी देव श्री कृष्ण सिद्धि पाए हुए हैं, हर एक देवी देवता कभी किसी का हानि नहीं किए। हाँ ये हो रहा है आजकल बहुत जगह कि तांत्रिकों के भेष में लोग ठगी कर लेते हैं और गलत 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 कार्य कर देते हैं, जिसके कारण तांत्रिक या साधक बदनाम हुए हुए हैं, ये ना हो हाँ, लेकिन
आप ये मनुष्य के जीवन पे, भक्त के जीवन पे भी आधारित होता है कि आप जब जाएं तो ये आपका मन बताए कि आप कहीं जुड़ रहे हैं तो वो आपके लिए उचित स्थान है या नहीं, या आप उचित स्थान पे जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया गुरु, गुरु के बारे में आपने बताया, तो एक आम व्यक्ति अपना गुरु कैसे चुने? जिस प्रकार से अभी हम हैं तो हमको तो पता नहीं, तो हृदय शक्ति की बात, नहीं तो हमें तो पता नहीं है कि कौन गुरु कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका विषय क्या है ये जानना होगा कि आप किनको पूछते हैं, ये कैसे पता करें। देखिए, एक ही परम ब्रह्म सब में है, जैसे बगला मुखी भी पढ़ा सकती हैं, माँ लक्ष्मी माता भी पढ़ा सकती हैं, तारा माता भी पढ़ा सकती हैं, त्रिपुर सुंदरी भी पढ़ा सकती, सब पढ़ा सकती हैं। तो ये सवाल उठता है भक्तों के अंदर कि फिर क्या अनेक पढ़ा सकती हैं? नहीं, वो एक ही पढ़ा सकती हैं, एक ही परम ब्रह्म जो सभी शक्ति में प्रवाह होती है, सभी शक्तियों में, सभी देवी देवता में प्रवाह, सभी देवी देवता में वास करते हैं, ठीक है ना। तो वो कभी भी गुरु का जो विषय आपने पूछा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना हो कि आप किस देवी को पूछते हैं। आप 10 देवी को नहीं पूछ रहे, आप एक ही देवी को पूछ रहे हैं। जैसे हमारी माँ बगलामुखी है, हम उनको पूजते हैं, हम हर समय उनका नाम लेते हैं, हर समय उन्हीं को स्मरण करते हैं। मेरे लिए महा शिवलिंग में भी बगलामुखी विराजमान है, हाँ, और माँ बगलामुखी में ही शिवलिंग विराजमान है, एक ही में सब है, सभी में एक, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पूजा के समय ये सत्य है कि सर्वे देवी देवता का आवाहन होता है, पर जब आपसे पूछा जाए, देखिए आप पूरे शहर घूमते हैं लेकिन शाम होते तो घर जाते हैं ना, जी भैया हमारा ये घर है, ये बिस्तर है, इसी पे मैं सोता हूँ। हाँ, एक जगह एक बहुत अच्छे आचार्य है, उन्होंने कहा ना कि हवा तो सब जगह है लेकिन हवा भराने के लिए एक जगह जाना होता है ना। तो वैसे ही देवी देवते के बहुत स्वरूप है, देवी देवताओं के बहुत स्वरूप है, पर एक देवी जिनको हम पूजते हैं उनका स्वरूप आपके जीवन में होना चाहिए कि जब आप के अंदर कोई बात, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पिता को बुलाओ, आपके ही पिता का स्मरण आएगा, ऐसा तो नहीं इसके पिता का स्मरण आ जाएगा चेहरा, नहीं आपने ही पिता का आएगा ना कि हाँ मेरे पिता को बुलाना है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना विषय चुने, उसके बाद जब आप उस विषय मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वो दैव्य शक्ति जो सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं है, वो आपको अपने आप आकर्षित कर लेगी सही मार्ग पर। और दूसरा, जब आप उस दरबार से, जैसे एक दरबार नियत नियम बनाए हुए होंगे आपके, यहाँ हमको बगलामुखी नित्य बृहस्पतिवार जाना है या मंगलवार, या सातों दिन में किसी एक दिन जाना है, या सातों दिन जाना है, या हमको गरीब स्थान जाना है, या हमको देवी मंदिर जाना है, आप जब उस दरबार में जुड़ते हैं तो वो दैव्य शक्ति वहाँ विराजमान है ना, वो आपको सही मार्ग पर, जब आप अपनी इच्छा मन में आपके आ रही है, आत्मा से आगे अपने गुरु को जीवन में गुरु चाहिए, तो वो अपने आप आपको सही मार्ग एक गुरु पद पे ले जाएगी कि जहाँ आपको के गुरु मिल जाएंगे, वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि आप बगला की पूजा कर रहे हैं तो फिर बगला के ही साधक आपको दीक्षा देंगे, क्योंकि वही प्रॉपर नियम बताएंगे। काली के पुजारी, काली का साधक करना है माँ काली का, तो माँ काली के साधक आपको दीक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि काली के साधक दीक्षा दें तो आप बगला के पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हैं हाँ, लेकिन आमतौर पर नहीं, यही सत्य होता है कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं आप उसी मार्ग पर चले जो आपको वो रास्ता दिखाए, सही रास्ता आपकी अज्ञानता को नष्ट कर दे। जैसे अभी तंत्र विद्या को लेके बहुत अज्ञानता है, तो अभी जैसे आपने कहा ना, कहीं आपने बात की, मैं उनका आदर करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, सही कह रहे हैं, वो भी अपने जगह सही है, उनकी बातें कहीं गलत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कहा वो है, वो भी गलत नहीं है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो है। वशीकरण अगर नहीं हो रहा होता तो फिर आखिर शब्दों में कहाँ से आ जाता, वो क्रिया ही क्यों बनती, वो प्रक्रिया क्यों बनती? चूंकि ये तंत्र क्रिया है, बिना गुरु दीक्षा के आप कर नहीं सकते हैं, और उस क्रिया के दौरान में बहुत ऐसी ऊर्जाएं आपके सामने आएंगी, तो आपका हृदय उस समय मजबूत है उस क्रिया को, उस चीज को देखने के लिए। जानकारी लेनी चाहिए, आप जिस शहर में है वहाँ देवी के दरबार, वहाँ बाबा का दरबार, वहाँ माँ का दरबार क्या है, क्या स्वरूप है, क्यों विशेषताएँ हैं, क्या विशेषता है, मतलब ऐसे तो ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जाना तो चाहिए, लेकिन वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की शक्ति क्या है, वहाँ की ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा आपको कैसे प्राप्त होगी, कैसे आप देखिए। सर्वप्रथम तो आप किसी एक जगह जुड़िए, तो हमने कहा ना विषय, आपके जो इष्ट हैं, जो आप जिनको पूजते हैं, हम बगला को पूजते हैं, माँ बगला मुखी को, आप बाबा को पूछते हैं, आपको राधा रानी को पूछता है, कोई श्री कृष्ण को पूछता है, तो सबसे पहले तो उनका स्मरण करते रहिए 24 घंटा, जब समय मिले स्मरण करते रहिए। हाँ, क्योंकि काम है भौतिक जीवन में तो इधर उधर भी भटकेगा मन, स्मरण करते रहिए, आपका मन संतुलित रहेगा, और उनका नाम लेते रहिए। हाँ, अब नाम मंत्र क्या है कि उसके लिए आपको दीक्षा होने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कोई नियम नहीं, ये पंच साधनाओं में भक्ति साधना, जो हृदय साधना होती है,
पंच साधना जब बढ़ती है, जैसे कर्म से बढ़ती है, फिर ज्ञान, फिर योग आता है, फिर भक्त, तो भक्ति साधना में कोई नियम नहीं है जी। शरीर में गंद कीचड़ लगा हुआ है, माई का नाम ले रहे हैं, हाँ। माई तब भी स्वीकारती हैं, हाँ, क्योंकि माँ, हाँ। और ये पांचों साधना तंत्र में है, तंत्र खुद तंत्र में भी विराजमान है, इसलिए तंत्र को उत्कृष्ट माना जाता है सभी साधनाओं जी, हाँ। और बलिष्ठ क्रिया भी, तो आप भी आप कोई बड़े बलिष्ठ क्रिया को करने जा रहे हैं तो वो उसका क्या जो बोलते उसका सम्मान तो ऑब्वियसली बात है कि बड़ा ही होगा, हाँ। तो इसलिए तंत्र साधना बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने सवाल पूछा कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी माँ की पूजा में, देखिए माँ की जब आप पूजा करते हैं दस महाविद्या में, दस महाविद्या को मतलब माँ सती स्वयं कहती हैं कि मेरे सभी रूपों में उत्कृष्ट स्वरूप दस महाविद्या है, और दस महाविद्या में काली तारा छिन्मस्तिका षोडशी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर भैरवी धूमावती बगलामुखी मातंगी कमला मातंगी माता का उसमें रूप है। तो और गुप्त ग्रंथों में जाओगे तो 18 महाविद्या का उल्लेख है, और कहीं पे 54 पीठ जो 54 शक्तिपीठ है उन्हें भी 54 महाविद्या कहा जाता है, क्योंकि आखिर है तो सती माँ सती का ही अंग से निकला हुआ। अब जब वो नव दुर्गा भी और माँ बगलामुखी एक ही है, बस स्वरूप अलग है, अलग अलग कारणों से प्रकट होने का बस स्वरूप है, तो माँ नव दुर्गा भी महाविद्या में आ जाती हैं, है ना, क्योंकि ये अपने आप में अलौकिक और अलग दृश्य से बना हुआ है, ये एक दिन में समझने वाली व्याख्या नहीं है। अब जैसे आपने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव, माँ की पूजा करके कभी नेगेटिविटी आ नहीं सकती, मैं लिखित दे सकता हूँ। नेगेटिव क्या समझते हैं लोग कि अब मेरा शरीर भारी हो रहा है या मन मेरा विचलित हो रहा है, मन भाग इधर उधर भाग रहा है, पगला रहा है, नहीं आप संभाल नहीं पा रहे जी। अब आपका शरीर है 10 kg वजन उठाने वाला, और हम अचानक आप गए वो ठेठ भाषा में समझिए कि पागलपंती की तरह लिवर लिवर करते गए और उठा लिए 20 kg, हम तो उठा लेंगे, तो आपका शरीर हानि हो रहा है। तो आप अत्यधिक ऊर्जा, आप उस केंद्र पे बैठे हुए हैं जो अनंत न्यूक्लियरों से भरा हुआ है, बनाने वाली वही, इस एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो एक शहर तबाह करता है, वैसा इन्होंने कितने ब्रह्मांड बनाए हुए हैं जी, हाँ। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रह्मांड ऐसे उपनिषदों में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी बताए गए, ठीक है ना। तो उतने ब्रह्मांड, संसार के सारे ब्रह्मांड को बनाने वाली, अब उनकी पूजा आप कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा केंद्र आपके पास आ रहा है, माँ भगवती उसको सुन रही हैं और अपनी आशीर्वाद आपकी ओर, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तो आप जब वो आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं तो आपका शरीर भी तो उस लायक होना चाहिए ना कि उसको बर्दाश्त कर सकें। बर्दाश्त आप करते नहीं, आप कहते हैं कि लोग आजकल कहते हैं मेरे ऊपर माता आ गई, मेरा ये उन्हें, देखिए माँ आती नहीं, आपके ऊपर आ जाती हैं, आपके समक्ष आ सकती हैं, वो सूक्ष्म ऊर्जा आती है उनकी, जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के जो परम ब्रह्म स्वरूप को जो भगवान ने दिखाया तो अर्जुन जी देख नहीं पा रहे थे जी। तो उस देखने की भी क्षमता को भगवान ने ही दिया उस समय, कि तुम्हें वो आशीर्वाद भी भगवान ही दे रहे हैं कि तुम उतना देर के लिए उस लायक बन जाओ जो हमको देख सको, और देने के बाद भी कह रहे हैं कि भगवान नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए, मतलब वो अपने अपने जो आप जो सरल स्वरूप है आपका, आप आ जाइए जैसे आप रहते हैं, हाँ वो स्वरूप हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जब अर्जुन योद्धा, महाभारत का शौर्यवान योद्धा, वो नहीं देख पा रहा भगवान को, और आप जानिए कि भगवान परम ब्रह्म के उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए भी उस पराशक्ति की ऊर्जा चाहिए, आप उनको आपके शरीर में आ जाएंगे, आप जीवित रह जाइएगा, फट के चार हो जाइएगा, आपका शरीर फट के फेंका जाएगा जी। और उसमें आपको इन्हें कण भी मिलेगा, कहाँ धूल हो जाएगा पतो नहीं चलेगा, हाँ वायुमंडल में भुतला गया, कौन बात है कि नहीं आती है, वो हवा है, 16 प्रकार की हवा है, इस पर कभी लंबा डिस्कशन होगा क्योंकि ये सब चीज गोपनीय चीज है, हर बात पे नहीं बताई जाती है, लोग पूरा सरलता में पूरा डीप चले जाते हैं, हाँ। अब जैसे आजकल एक, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी तो माँ के पूजा में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी आप कितना बर्दाश्त करते हैं, इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक जी, इसीलिए गुरु पीठ पे होके बताता कि यहाँ रुक जाओ, इस स्टेशन के बाद अगले स्टेशन नहीं जाना, वहाँ गाड़ी लगी हुई है, है ना जी। तो बस वही बात है, वहाँ जाओगे तुम पता चला वो निकली नहीं, तुम टकरा जाओगे, फिर लास्ट हो जाना, तो रुक जाओ, इसलिए गुरु की होनी, गुरु का जीवन में होना, मैं सभी भक्तों को कहता हूँ और सभी लोगों से भी कहता हूँ कि जीवन में 4 लोगों का होना अति आवश्यक है, राज्य में राजा, समाज में गुरु, घर में बाप, और जीवन में पत्नी और औरत के लिए पति, ये 4 होना का अति, तभी वो पूर्ण है, नहीं तो नहीं अपूर्ण है, नहीं है वो पूर्ण।
महादेव जो जगत गुरु है उनके भी गुरु विष्णु है, वो नारायण को पूजते हैं जी। और नारायण जो जो महादेव के गुरु है वो महादेव को पूजते हैं जी। तो दोनों एक दूसरे के गुरु हैं, बिना गुरु के संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता। जगत गुरु मेरे आपके सबके हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम दीक्षा पा लिए तो महादेव का नाम तुम अब गुरु ले चुके हो अब हम नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे भी हैं, ये पीपल के पेड़ के भी गुरु हैं, वो जमीन पे चल रहे हैं उस चीटी के भी गुरु हैं, वहाँ पांच आदमी खड़ा उनके भी गुरु हैं, जो भी जीवित प्राणी संसार में है उनके भी गुरु हैं महादेव। महादेव उस जगत गुरु, इसलिए तो जगत गुरु है, 84 लाख योनियाँ उन सबके गुरु हैं, महादेव महामाई वही हैं गुरु। इससे पॉजिटिव एनर्जी ही आती, नेगेटिव नहीं आती। अब रहा आपने पूछा पिशाचिनी और योगिनी, जी जी हाँ, तो दिखेगा अपने आप, आपको दिखेगा जीवन में वो क्या आ रहा है मेरे पास जी। हाँ, लाइक समझो कि एक बहुत बड़ा तिजोरी है और उससे वो मिल रहा है, वो आशीर्वाद मिल रहा है जी। तो तुम्हें सही रहा। और जीवन में जब भी सत्य में काम बात याद रखना, कभी भी सिर्फ धर्म नहीं करना और कभी भी सिर्फ कर्म नहीं करना, धर्म कर्म दोनों साथ करना, ऐसे कार्य जिससे तुम्हें भी संतुष्टि हो और तुम्हारे परिवार को भी। जैसे इस ब्लॉग को बनाने से तुम्हें संतुष्टि मिल रही है जी, हमसे भी पूछे हमें भी अच्छा लगा। और ये जब तुम वीडियो डालोगे तो माता पिता भी खुश होंगे, चलो मेरा बेटा चोरी चकारी करने से तो बेहतर है कि काम करना जी, कुछ गलत करने से बेहतर ये कार्य करना। तो ये कार्य करना, ऐसा कोई कार्य जिससे तुम्हें और सबको संतुष्टि मिले जी, वो कार्य जरूर। तो वो हो गया कर्म, और जब उससे तुम्हें संतुष्टि मिल गया तो वो हो गया धर्म जी। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, खुश रहो, माँ के दरबार आते रहो। ठीक है, इस पर लंबा डिटेल में बात करना होगा। ठीक है ना, समझाने को शॉर्टकट में ये बताता हूँ कि लोग हमने कहा ना कि गलत ऊर्जा पाने के चक्कर में आप कर लेते हैं, जो वो साधना करेगा ऐसा नहीं कि देखिए हम भी पूछते हैं माँ को, भूत प्रेत पिशाच भी पूछता है, सब उनको पूछता है, आपको नहीं दिखता इसलिए आप नहीं जानते जी। तो वो सभी साधनाएं जो लिस्ट है जो की जाती है गोपनीय क्रिया है, आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से सबको खुला खुली बता दिया जा जी। लोग क्या कर रहे हैं कि आते हैं, बहुत ऐसे भक्त आते हैं जो कि बाबा यूट्यूब पे देख ले रही पूजा बता दूं, यूट्यूब से करवा ले बउआ। सही है, क्योंकि तुम देखो ठीक है, अच्छी बात है किसी ने अपने जानकारी आपको देनी चाहिए। हाँ, बहुत लोग अच्छी जानकारी भी देते हैं, बहुत लोग है क्या कि डायरेक्ट मंत्र को उजागर कर देते हैं जी। ये नहीं, आप मंत्र को उजागर तो कर दिए लेकिन उस मंत्र का रक्षक कवच क्या है, उस मंत्र की विनियोग क्या है, न्यास क्या है, न्यास विनियोग क्या है, संकल्प कैसे लेना है उस मंत्र का, वो आप जानते ही नहीं है। और आप फटर फटर करके जाप लेते हैं क्योंकि देखते हैं कि आपके बहुत बड़े गुरु ने बोला, अरे वो ये भी बताते हैं पूरा आप देखते नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि इस बाद में इस नंबर पे या इस चीज पे आके आप हमसे कंसल्ट करें जी। फिर आप उनसे बात करने जाओ ना, फिर वो बताएंगे पूरा नियम, वो तो एक नैतिक ज्ञान में आपको मंत्र दे दिए। हाँ, चूंकि वैदिक मंत्र तो हानि नहीं करता है लेकिन कभी कभी तंत्र मंत्र आता, तांत्रिक मंत्र आपको मिल जाता है, आप खोज लेते हैं यूट्यूब से, आजकल तो गूगल सर्च कीजिए तो हजारों मंत्र मिल जाएगा, जो मंत्र लिखा भी नहीं है वो भी मंत्र है जुड़ा हुआ जी। हाँ, तो लोग पढ़ लेते हैं बस, आते हैं ये समस्या वो समस्या है, देखिए ना माई की पूजा कर ली है तो ये समस्या आ गई। हाँ, तू पहले गलत नियम से कर लेता तेरा समस्या ना होता तो तेरा खुशहाली होती। सही बात, चूंकि ये भी लोग कहते हैं कि मेरा शुरू में काम बना, और वैसे ही बनेगा, आखिर चाहे टेढ़ा हाथ से पकड़िए या सीधा हाथ से बोलिए, कर तो माया की पूजा रहे हैं। उस पर आप लोगों को समझना चाहिए कि गलत तरीके से नहीं हो, नियमानुकूल चले। हाँ, गुरु के संरक्षण में जाए, गुरु अपने सानिध्य में आपको सब कुछ समझाएगा बताएगा, उसके बाद वो कार्य आपके जीवन में सफलदायक है, फलीभूत करेगा आपको, आपको बढ़ाएगा, हमेशा आगे बढ़ाएगा, कभी पीछे नहीं करेगा। और ये लोगों में क्या है कि सोचते हैं भगवती की पूजा कर रहे हैं या किसी भी, मतलब किस भगवती किसी भी स्वरूप में देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि कठिनाई जीवन में निकले। भगवती के मार्ग में आपको रास्ता सकरा मिलेगा, कठिनाइयां मिलेंगी और अत्यधिक परिश्रम मिलेगा। सरलता, सहायता, सहानुभूति की उम्मीद रखना उस रास्ते में, फिर आप मूर्खता वाला काम कर रहे हैं जी। क्योंकि पहले आप पड़ाव तो पार करो, और आप चाहे कठिनाई किसी भी रास्ते में चलो, आपको देवी है और देवी उस जगह पे आपके आप पे कृपा बनाएगी। ठीक है ना, देवी आप पे कृपा बनाएगी, ये कृपा, ये बात आप बस मन में मान के चलिए, देवी को जानने नहीं जाइए, पहले देवी को मान लीजिए।
देवी को मान लीजिए कि देवी ही है जो है हाँ। जी। और महादेव में भी माँ विराजमान है वास करती हैं और माँ में महादेव वास करते हैं, इससे ऊपर कोई बात नहीं। आखिरकार लास्ट क्वेश्चन कि हमें देवी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति देवी की ही पूजा करते हैं, उनके माँ पापा भी देवी की पूजा ही करते थे और वो व्यक्ति भी चाहता है कि वो देवी की पूजा ही करे, लेकिन तो वो दुर्गा की पूजा कर रहा है, वो चाहता है कि कौन सी रूप की पूजा की जाए ये उसको नहीं पता, लेकिन वो माँ को आप जैसे कि हम जाते हैं भगवद गीता में कि हम लोग पूजा तीन तरीके से कर सकते हैं, प्रेम करके, फ्रेंड बन के और पूजा। ये तो अब नया नया ये सब हो गया, ऐसा था हुआ नहीं। प्रेम करके, प्रेम भी भक्ति में आता है, फ्रेंड भी भक्ति, सब भक्ति, ये भक्ति साधना है ठीक है। पर अब हमें पूजा करने की विधि जाननी है, तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले आप, हमने कहा विषय जानिए कि आप किस देवी की पूजा करना चाहते हैं। अब जैसे कि तांत्रिक विधि से पूजा करना चाहते हैं या वैदिक विधि से पूजा करना चाहते हैं, तो दोनों देखिए, चाहे तांत्रिक विधि से जाएं चाहे वैष्णव मार्ग से, किसी भी संप्रदाय से, एट द एंड जाना है भगवती के चरण में ही, तो महादेव के चरण में, कि उनके जिस भी स्वरूप के चरण में ही जाना है ठीक है ना। तो परम ब्रह्म पराशक्ति के ही चरण में जाना है, चाहे आप किस भी मार्ग से करें, चाहे वाम मार्ग या दक्षिण मार्ग। लेकिन उसकी विधि ये है कि पहले आप विषय जानिए, फिर आप अपने जीवन में गुरु का आगमन करें, गुरु दीक्षा लें हाँ। और गुरु दीक्षा लेने से पहले, अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो आप जो नैतिक पाठ बचपन से करते आ रहे हैं वो करते रहिए, पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं, और अपने गुरु के तलाश में रहिए। आपको आपकी इच्छा होनी चाहिए, गुरु भूख लगने की इच्छा होती तब भूख मिलता है, ऐसा नहीं अभी आपको खिला दिए भर पेट खाना फिर 10 मिनट और चलो फिर खाओ, तो आपको खाना लाख स्वादिष्ट रहेगा, वो करोड़ों रुपया महंगा रहेगा। वन ऑफ द कहते हैं ना कि लाइफ ऑफ वन टाइम वाला बात है कि एक गाड़ी मिलना है खा लो, बाद में नहीं मिलेगा ये चीज दोबारा, ये बहुत ही राजा महाराजा खाते थे, आप नहीं खा पाइएगा, चित पे चढ़ेगा तब ना खाइएगा भैया। तो सबसे पहले तो जो आप कर रहे हैं कीजिए, फिर गुरु की इच्छा जताइए उसी देवी, मतलब देवी के सामने जाके उनके सामने इच्छा जताइए, प्रकट कीजिए कि माँ मैं अपने जीवन में गुरु का सानिध्य चाहता हूँ, जो मुझे सत्य के मार्ग पे सही राह पे ले चले, मार्गदर्शन दे साधना की ओर, और उसके बाद पूजा पाठ की ओर। फिर उसके बाद आप जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद आपको पूजा करने की विधि क्या है कि सबसे पहले तो सुबह स्नान ध्यान करके आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उसके बाद माँ के दरबार में या अपने देवता रूम में जहाँ पूजा घर है वहाँ बैठ करके आसन बिछा करके शुद्धिकरण करके, इसके लिए पूरा एक विधि है वो विधि जान ले। विधि के बाद न्यास विनियोग संकल्प करके माँ का पूजा पाठ करें, उसके बाद उसका दशांश हवन करके माँ की पुनौती करें, और अपने पुनौती करके और नित्य दिन उस पूजा पाठ को आप नियमानुसार करते रहें ठीक है ना। या हफ्ता में कोई एक दिन बना लो या महीना में कोई एक दिन बना लो, लेकिन बना लो उस दिन, तुम संसार में कहीं भी रहो उस दिन वो क्रिया तुमको करना जी। ये नहीं कि मैं अपने घर पे ही रहता तो करता हूँ, कोई लेना देना नहीं, बस में हो वहीं बैठ जाओ, मन में करते रहो,